शीतल देवी। शीतल नमस्ते। नमस्ते सर, जय माता दी। जय माता जी। शीतल, आप भारतीय दल की सबसे कम उम्र की एथलीट है और यह आपका पहला पैरालंपिक्स होगा। मन में बहुत कुछ चलता होगा, आप बता सकती हो क्या चल रहा है? कुछ स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इतनी छोटी उम्र में, इतने छोटे समय में मैं पैरालंपिक में खेलूंगी। और ये बहुत खुशी की बात है सर कि इतनी छोटी समय में और मैंने इतनी छोटी उम्र में मैं खेल रही हूँ यहाँ पे पैरालंपिक्स में। और यहाँ के सर शाइन बोर्ड का बहुत ही बड़ा हाथ है सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया मुझे कि सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके मैं सर यहाँ पे पहुंची। जब शीतल पेरिस पैरालंपिक में आपका अपना लक्ष्य क्या है और आपने इसके लिए तैयारी क्या की है और कैसे की है? यस सर, मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है सर। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपना देश का तिरंगा यहाँ पे लहराऊं, अपना जो एंथम यहाँ पे बजाऊं सर, मेरा यही लक्ष्य है और इससे बढ़कर सर मेरा कुछ नहीं। शीतल, आप जैसा मैंने पहले ही कहा, इस दल में सबसे छोटी है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप इतने बड़े इवेंट का दबाव बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हार जीत का दबाव लिए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिएगा। पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और माता जी के आशीर्वाद तो हमेशा माता वैष्णो देवी तुम पर कृपा बरसा ही रही है, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। माता रानी का भी बहुत आशीर्वाद है कि इतने कम समय में मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, बहुत आशीर्वाद है सर माता रानी का। और सर सबका, पूरे भारतीयों का सर मेरा वो दुआ है यहाँ पे मैं इतने समय में पहुंची हूँ यहाँ पे, आज आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं सुश्री।